आज ही के दिन पिछले साल दिमाग में एक रैंडम सा थॉट और क्या, उस पे काम करना शुरू। गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा ड्रामेटिक होने वाला है, बट आई एम श्योर यू गोना लव इट। एक सिंपल सा रास्ता दिख रहा था मुझे व्हेन आई वाज गोइंग टू स्टार्ट माय जर्नी। उस रास्ते के आगे कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन है, ऐसा मुझे पता था, बट डेस्टिनेशन कब, कैसे, किधर मिलने वाला भी है कि नहीं, कोई आइडिया नहीं था। कैसे, क्या, कभी, किधर कुछ करना है, वो भी नहीं पता था, बट फिर भी चल पड़ी थी। यस, कुछ ऐसा ही था। मेरा चैनल, कभी भी नहीं सोचा था कि आज जिस पोजीशन पे है कभी भी वहां तक आता। पहली बात तो अगर आप मेरे चैनल से पहले दिन से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि मेरा चैनल का एक ढंग का रिलेटेड टू टॉपिक्स का एक नाम भी नहीं था। देबो स्मिता करके मेरे चैनल का नाम था सबसे पहले। फिर मैंने सोचा कि मेरे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू मुझे नहीं लगता कि ये चैनल को सूट करेगा। आफ्टर दैट, आफ्टर अ लॉन्ग वाइल एक्चुअली, काफ़ी सारे वीडियोस बनाने के बाद मैंने फाइनली सोचा कि कल्चर्ड क्रिएटर करके ये वाले चैनल को सूट कर सकता है ये नाम। उसके बाद ही मैंने कल्चर्ड क्रिएटर ये नाम अपने चैनल को दिया। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बट देना था कुछ ऐसा। फिर एक साल हो चुके हैं चैनल का। कुछ लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है शायद, जिस अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ मैं हूँ करेंटली, बट अगर देखा जाए इन एक साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, उसको क्लियर आउट किए। देर आर लॉट मोर थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स वगैरह थे, सो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, सोचा, एंड आज मैं जिस पोजिशन पर हूँ मेरे लिए वो काफ़ी है, यू नो, मोर देन एनफ। बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो इतने अमाउंट ऑफ पीपल होंगे मेरे चैनल पर कभी ना कभी, सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल एज यूजल, एंड होप सो बहुत अच्छा जाए, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज माई चैनल इज कम्प्लीटिंग वन ईयर, एंड माई चैनल वाज कम्प्लीटली लाइक अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल रोड। उसे देख के लगता है कि वाह, ऐसे किसी रास्ते पर गाड़ी चलाने का सही लेवल पे मजा आएगा, बिकॉज गाड़ियाँ इतनी स्मूथली रन होगी एंड इतनी बढ़िया जर्नी रहने वाली है कि क्या बोले। जी हाँ, मेरे दिमाग में भी सब कुछ ऐसा ही चल रहा था कि यार कितनी स्मूथली सब कुछ होने वाला है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है, बट शायद आपने जैसे नोटिस नहीं किया होगा ये घने पेड़ एंड ये सूना रास्ता जो काफ़ी ज़्यादा खाली है। वो घना पेड़ एक्चुअली कन्फ्यूजन्स का पेड़ था कि कैसे, क्या, कब, कितना होगा, एंड ये जो खाली खाली चीज़ें हैं वो व्यूअर्स थे। इतने अमाउंट ऑफ व्यूअर्स मुझे इनिशियल स्टेजेस पे नहीं मिले थे, जिस पे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होने लगा, जो इनिशियली सबको होता है। आज की डेट पर पिछले साल सोचा था कि कुछ अलग करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन पड़ गया था तो दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स घूम रहे थे, एंड ऐसे सिचुएशन में मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं वो भी दिमाग में घूम रहा था बेसिकली। बट फिर सोचा कि यार समथिंग शुड बी डन इन दिस टाइम, कुछ तो इनिशियल हमें यूटिलाइज करना चाहिए, वी शुड डू समथिंग क्रिएटिव, कुछ तो अलग, यू नो। देन सडनली अ थॉट लाइक यूट्यूब केम इन टू माई माइंड, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इन दिस होल वर्ल्ड, एंड आई थॉट कि दिस प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेस फ्रॉम which I can express my feeling, my learnings to other people. कुछ सीखूँ और कुछ सिखाऊँ। So, आपने मुझसे पहले काफ़ी सारे लोगों की जर्नी देखी होगी, काफ़ी सारे वीडियोज़ में वो अपनी जर्नी को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एंड काफ़ी लोगों की ऐसी भी जर्नीज में दे कम्प्लीट अ माइल स्टोन इन सब्सक्राइबर्स वे में, बट आई डोंट हैव अ बंच ऑफ पीपल एज आई सेड। I have few selected people as you can see in the number of the subscribers below, but you know I'm grateful for it because I never expected that I will take this thing so seriously along with my all important facts ki ye position tak bhi aata. To all the people who are connected to me from last year till today, I want the support same way in the upcoming years, and I hope aap log support karenge jaisa aap hamesha karte ho. And definitely, I'll try my best to give you the best concepts this year even. And it feels so good because finally we completed one year, one successful year of my channel. It really means a lot. And to all the people who have subscribed to my channel,
or you don't have subscribed to my channel yet, but then too, a big thank you, because आपने मेरे channel पर बहुत सारा वक्त spend किया है. आपके lovely comments हो, likes हो, या फिर आपके dislikes हो. Basically हर चीज़ में आपने अपना एक view, आपने अपना एक opinion मेरे साथ share किया है. अपने अपने लाइफ का कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम मुझे दिया है, मेरे कॉन्सेप्ट को दिया है. कभी कभी टॉपिक्स थोड़े लंबे हो जाते थे, बट व्यूज़ उतने ही आते थे, लोग उतना टाइम ही देखते थे वीडियोस को. बहुत सारी चीज़ें हैं अगर एक एक करके बोला जाए तो, बट आई विल नॉट टेक योर मच टाइम एंड आई विल नॉट स्टार्ट विद द जर्नी स्टोरी. बट डेफिनेटली व्हेन वी विल बी कवरिंग द माइलस्टोन्स, डेफिनेटली एक बड़ा सा वीडियो आएगा. एंड टुडेज वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. मेक श्योर यू वॉच इट टिल एंड, बिकॉज एंड में एक सरप्राइज है. ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप आज की वीडियो को भी हर बार की तरह उतना ही प्यार दें. पूरे साल जो प्यार दिया है वो आगे के जितने भी साल मेरे चैनल चलता ही रहे एंड आप उतना सपोर्ट करते ही रहे. एंड डेफिनेटली अगर आपके कुछ भी ओपिनियंस हो, यू शुड शेयर अप विद मी. एंड डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट टू कैच अप विद दोज एंड ट्राई टू मेक कॉन्सेप्ट्स रिकॉर्डिंग टू यू. एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे, तो जाके ज़रूर मेरे पेज को फॉलो करिए, मुझसे कनेक्टेड रहिए एंड आगे बातें होती रहेगी. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड. ज़्यादा टाइम ना लिए आज भी हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, वरना आप हो जाएंगे बोर. कंप्लीट द लाइन बिलो. Bye guys. फिर गया रोज टॉपिक्स पे काम करना शुरू. धीरे धीरे ही सही, फिर रियलाइज होने लगा कि कहीं ना कहीं चीजें इम्प्रूव हो रही थी. इनिशियली डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी चैनल की, एंड विच वॉज मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग डे बाय डे. एंड कॉन्फिडेंस लेवल की तरह एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ते जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड लव. एंड जिससे मुझे हमेशा एक मोटिवेशन मिलता था कि यस, आई शुड क्रिएट समथिंग बेटर एंड बेटर फॉर यू ऑल. एंड ऑब्वियसली थोड़े कन्फ्यूजन्स के साथ ही लाइफ चलती जा रही थी विद दिस ब्यूटीफुल चैनल एंड विद दिस ब्यूटीफुल पीपल. बट फिर से ये डार्क क्लाउड्स की तरह आ जाती थी कभी कभी टेंशन्स कि कैसे, कभी, कितना पसंद आने वाला है लोगों को नया नया टॉपिक. बट फिर भी आप सभी ने स्ट्रीट लाइट्स की तरह सपोर्ट दिया थ्रू लाइक, थ्रू योर शेयर्स, थ्रू कमेंटिंग एंड ऑब्वियसली बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. बिकॉज एक चीज़ दिमाग में चल रही थी कि चीज़ें कहीं ना कहीं सही अमाउंट में जा रही है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to cultured creator. Happy birthday to you. To all my audience out there, I just want to say ki thank you for being connected. And obviously, this wouldn't be possible without a cake. So I thought of having, as I am also a foodie one. So just have a look into the cake. Yeah. आप भी मंगवा के खा लेना बेसिकली. सो मैं केक काट रही हूँ, आपको खिला रही हूँ. खाना तो आपको अपने घर से ही है, वो संभाल लेना. लाइक लेट मी हैव दैट. सी, हैप्पी बर्थडे टू माय यूट्यूब चैनल. लेट इट ग्रो एंड सब्सक्राइब इट एज सून एज पॉसिबल. छोटा सा टुकड़ा है, ये लो खाओ, खा के फिर मुझे दे दो. नज़र नहीं लगनी चाहिए आपकी, मेरी तबीयत ठीक होनी चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट बन सकता है. सो इतना ही कहना था. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड अगेन. एंड बहुत ज़्यादा बोल दिया, आई नो दैट. बी वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू कल्चर क्रिएटर. लाइक दिस टॉपिक, कॉमेंट बिलो एंड शेयर दिस टॉपिक द मोर यू कैन. दैट्स इट फॉर टुडे. मीट यू सून द नेक्स्ट टॉपिक. टेक केयर एंड लेट मी एन्जॉय द केक. बाय बाय. From the last few months, touch wood, results clear, visible हो रहे थे. धीरे धीरे ही सही, results हमें पता चल रहा था कि channel की growth हो रही है through subscribers way में, या फिर views भी बढ़ते जा रहे थे. लोग बहुत ज़्यादा time spend कर रहे थे content को देखते हुए, तब जाके थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया था कि somehow topics are going good, people are loving the channel. And ऐसे ही अगर चलता रहा then it will be a great thing because you guys supported me. You guys subscribed to my channel, gave time to my concepts. Thank you for that. I'm really very grateful कि आप लोग मेरे साथ थे. रहिएगा ज़रूर, ऐसे ही बहुत सारे interesting topics ज़रूर आते रहेंगे. Thank you for all the beautiful memories, guys. Once again, congratulations. We completed 1 year on my channel. Wow.
थैंक यू यूनिवर्स, यूट्यूब, फैमिली एंड ऑब्वियसली माई डियर ऑडियंस जिन्होंने मुझे फर्स्ट डे से सपोर्ट किया एंड येट दे आर सपोर्टिंग मी. आई एक्सपेक्ट कि आप आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू फॉर मेकिंग माई पास्ट 365 डेज, मतलब मेरी वन ईयर की जर्नी इतनी ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो शायद कभी नहीं होती अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते. आज मैं जो पोजिशन पर हूँ वो आपकी वजह से हूँ एंड ऑब्वियसली आगे जाके जो पोजीशन पे आने वाली हूँ इन द सब्सक्राइबर्स वे और एनी अदर व्यूज़ के वे में वो आप पे ही डिपेंड करता है एंड ऑब्वियसली ऑन माई कॉन्टेंट्स. सो आई विल गिव माई बेस्ट कॉन्टेंट टू यू एंड आई विल ट्राई कि आपको वो पसंद आए एंड ऑब्वियसली हमेशा की तरह आप उन टॉपिक्स को भी प्यार दीजिएगा थ्रू ऑल द पॉसिबिलिटीज़. आई होप आपको आज की टॉपिक भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी. इफ़ यू लाइक इट मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू कल्चर्ड क्रिएटर. ऑल्सो डू कॉमेंट बिलो कि आपकी जर्नी अगर आपने किसी भी काम पे शुरू किया तो वो कैसा जा रहा है एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू टू ऑल्सो शेयर दिस टॉपिक विद मैनी मोर पीपल एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी क्रिएटर इन माई सेल्फ जो कभी नहीं होता अगर आप नहीं होते. अगेन आई रिपीट, सो आई होप आई सम हाउ हैड मेड दिस पॉसिबल एंड ये थोड़ा बहुत ड्रामेटिक हो चुका है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो टिल एंड. आई होप इफ यू लाइक इट यू विल गिव ऑल योर लव टू दिस टॉपिक. मीट यू सून इन द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड मेक श्योर बी वैक्सीनेटेड, वेयर योर मास्क, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. मीटिंग यू सून इन द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज. Thank you.